दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कोर्स के बारे में जो पिछले 5-7 सालों में बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बीबीए के बारे में और स्पेशली बीबीए में भी बीबीए ऑनर्स के बारे में, क्योंकि बीबीए पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आज जो वीडियो है स्पेशली वो है बीबीए ऑनर्स के लिए, तो उसमें मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, बीबीए ऑनर्स हम किस किस स्ट्रीम से कर सकते हैं, उसके बाद में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो क्या हैं, सिलेबस कैसा रहता है और हमें जो गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर उसमें हमारा सैलरी पैकेज कहां तक जा सकता है, तो उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूं। उसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों यदि हम बात करें बीबीए की, तो बीबीए हमारा जो बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली ऑनर्स के बारे में। तो ऑनर्स के बारे में हम बात करें तो ऑनर्स का मतलब होता है किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट से अपनी डिग्री को कम्प्लीट करना। जैसे आपने देखा होगा बीकॉम ऑनर्स है, बीएससी ऑनर्स है। जैसे बीएससी ऑनर्स होता है तो उसमें फिजिक्स से या केमिस्ट्री से बायोलॉजी से हम बीएससी करते हैं, तो वो ऑनर्स कहलाती है। इसी तरीके से हमारा होता है बीबीए ऑनर्स, यानी कि यदि हमें किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में जाना है तो उसके लिए हम स्टार्टिंग से ही अपना तैयारी करते हैं, पूरी प्रिपरेशन करते हैं और उसी में हम ऑनर्स लेके उसी में हम मेहनत करते हैं, तो उसको हम कहते हैं बीबीए ऑनर्स। या बीबीए ऑनर्स के लिए अब क्या क्या स्ट्रीम है वो भी मैं आगे बताऊंगा। उससे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यदि मैं बात करूं तो उसमें आप 12th पास आउट होने चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से और किसी भी स्ट्रीम से। ऐसा नहीं है कि आप कॉमर्स साइड से ही होने चाहिए या आप आर्ट से या साइंस से, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप 12th पास आउट होने चाहिए। और यदि हम परसेंटेज की बात करें तो कुछ यूनिवर्सिटीज में जो परसेंटेज क्राइटेरिया होता है वो 50% होता है कि आपके 12th में मिनिमम 50% होने चाहिए। और कुछ यूनिवर्सिटीज का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो होता है कि आपकी जो परसेंटेज है वो 45% हो। वो आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करती है कि उस यूनिवर्सिटी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अलग अलग हो सकता है। कुछ यूनिवर्सिटीज में जो हमारे कैटेगरी होती है एससी एसटी और ओबीसी, तो उसके लिए जो परसेंटेज में रिलैक्सेशन होती है, तो वो आप भी यूनिवर्सिटी की साइट पर देख सकते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में उसमें छूट दी गई है। अब यदि हम बात करें कि एडमिशन प्रोसेस कैसे रहता है इसका, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इनके लिए अपना एंट्रेंस एग्जाम कराती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपना जो एडमिशन है वो मेरिट बेस पर लेती है, कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसके लिए मेरिट बेस पर एडमिशन लेती हैं। और यदि आप इसके लिए एक यू गेट का एग्जाम भी होता है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट के लिए भी आपका एग्जाम होता है, उस एग्जाम को देकर भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और भी कई सारे एग्जाम होते हैं इसके अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम। अब यदि हम बात करें बीबीए ऑनर्स की, हमें कि बीबीए ऑनर्स किस से करना चाहिए, तो बीबीए ऑनर्स के लिए आप जा सकते हैं बीबीए मार्केटिंग से, फाइनेंस से, एचआर से या आईबी से या कंप्यूटर साइंस से। तो बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है जो ये टॉप मोस्ट है वो मैंने आपको बता दी है, जो टॉप मोस्ट आपकी जो ब्रांच है जो आप बीबीए जिनमें कर सकते हैं। बैंकिंग से भी आप कर सकते हैं, बैंकिंग में भी आप जा सकते हैं। यदि आपको मार्केटिंग में जाना है तो आप बीबीए ऑनर्स करें मार्केटिंग से और उसके बाद में अपना एमबीए करें, वो भी मार्केटिंग से करेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा उसका एडवांटेज मिलेगा। यदि आपको यह रखना है कॉमन के मैं मार्केटिंग में भी जा सकता हूं, फाइनेंस में भी जा सकता हूं, एचआर में भी जा सकता हूं, तो वो आप कॉमन बीबीए कर सकते हैं। यदि आपको स्पेशली कि आपको एचआर फील्ड में ही जाना है तो उसके लिए आप स्टार्टिंग से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप बीबीए एचआर से ही करें या बीबीए फाइनेंस से करें। तो उसमें क्या होता है, आपका जो फर्स्ट ईयर है तो आपका वो सभी का कॉमन होता है, लेकिन उसके बाद में जो आपके सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर होता है उसमें आपके जो सब्जेक्ट रह जाते हैं, फिर आपने जो स्पेशलाइजेशन ली है उसी के सब्जेक्ट रह जाते हैं, बाकी के जो सब्जेक्ट हैं वो हट जाते हैं, उसी के सब्जेक्ट एड ऑन हो जाते हैं। अब यदि हम बात करें एडवांटेज की, तो हमारा एडवांटेज ये है कि यदि हमें मार्केटिंग की फील्ड में जाना है और बीबीए हमने मार्केटिंग से किया है, तो हमें फालतू के जो सब्जेक्ट हैं, जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं, वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। हम सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग से रिलेटेड पढ़ेंगे तो हम उसकी डीप नॉलेज ले सकते हैं, हम उसकी डीप में जा सकते हैं। तो ये इसका बेनिफिट होता है कि हम उस कोर्स के बारे में बहुत ज्यादा सीखते हैं और उसको पूरी तरीके से हम उसकी जानकारी हमें मिल जाती है, और जब हम पीजी कोर्स में जाएंगे तो उसकी हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है।
अब यदि हम बात करें डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज ये है कि यदि आपका मन बदलता है कोर्स करने के बाद में कि हम मार्केटिंग से हमने कर लिया है, हमें एचआर की फील्ड में जाना है, तो ऐसा नहीं है कि आप एमबीए एचआर से नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको फिर प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ अभी जो पढ़ा है वो मार्केटिंग के बारे में पढ़ा है, एचआर के बारे में नहीं पढ़ा है। तो इसमें समस्या ये होती है कि फिर आपके बाद जो है ऑप्शन है वो लिमिटेड रह जाते हैं, उसके लिए आपके ऑप्शन आगे ज्यादा नहीं होते हैं। आगे मैं एक चीज क्लियर कर दूं, बच्चों का सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि जैसे ग्रेजुएशन के बेस पे जॉब निकलती है, गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलती है, कि तो बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि सर हम उनको फिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो यदि आपने बीबीए ऑनर्स किया है तो आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं यदि ग्रेजुएशन के बेस पर कहीं भी वैकेंसी निकलती है। ऐसा नहीं है कि आपने बीबीए किया है, प्रोफेशनल कोर्स है, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बीए बीएससी बीकॉम वाले बच्चे भर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये भी एक ग्रेजुएशन कोर्स है, आपका 3 साल का डिग्री प्रोग्राम है। आगे यदि हम बात करें कि इसमें जो जॉब ऑप्शंस हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, तो गवर्नमेंट में जो सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है वो मिलता है हमें बैंकिंग सेक्टर में। आप बैंकिंग की तरफ जा सकते हैं, सीए की तरफ जा सकते हैं, सीएस की तरफ जा सकते हैं, यानी कि कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनकी तरफ जा सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपको एडवांटेज मिलेगा वो बैंकिंग सेक्टर में मिलेगा। आप प्राइवेट सेक्टर के बैंकिंग में जा सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की जो बैंकिंग है उसमें जा सकते हैं, आईबीपीएस हर साल एग्जाम कराता है तो उसकी तरफ आप जा सकते हैं। यदि मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर में भी इसके लिए हायरिंग चलती रहती है, बहुत ज्यादा डिमांड में है। तो प्राइवेट सेक्टर में जैसे आपका, मैं बात करूं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जैसे टेक महिंद्रा है, विप्रो है, डेल है, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इसके लिए वैकेंसी निकालती रहती हैं जिसमें अच्छा खासा सैलरी पैकेज आपको मिल सकता है। और यदि अब हम सैलरी पैकेज की बात करें तो आपका सैलरी पैकेज जो रहता है वो सैलरी पैकेज आपका मिनिमम 2 लाख पर एनएम से लेके आपका 6 लाख पर एनएम से आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, यदि आपने अच्छे इंस्टीट्यूशन या कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपने अपना बीबीए किया है। तो साथियों, यदि आपको एडमिशन लेना है और अपनी स्कॉलरशिप के बारे में जानना है कि आपकी स्कॉलरशिप कितनी आ सकती है, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से, तो आप वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपकी स्कॉलरशिप कितनी आ सकती है। तो मैं चाहूंगा कि आप वहां पर जाकर एक बार रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपकी स्कॉलरशिप कितनी आ सकती है। तो साथियों, आई थिंक मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि आपको किसी और कोर्स के बारे में या इसमें कुछ और जानना है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जितने जल्द से जल्द होगा मैं उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।